सो दोस्तों, आज मेरे पास है Realme 11X 5G और आज हम इस फोन की करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। इस फोन में हम करेंगे गेमिंग टेस्ट, दूंगा मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस एंड इसके कैमरा टेस्ट। फोन के सभी फीचर्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस फोन के। एंड Realme काफी सारे फोन डिजाइन करते रहती है, काफी सारे फोन लॉन्च करते रहती है, तो ये भी एक अच्छा फोन हो सकता है। तो इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार का ये फोन है, गेमिंग टेस्ट करेंगे, अच्छी खासी हम गेमिंग करके देखेंगे। एंड मैं हूं प्यारे गेमर, तो चलिए शुरू करते हैं। इस फोन की अनबॉक्सिंग से लेके गेमिंग टेस्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, एंड वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये रहा मेरे पास Realme 11X और ये है हमारा कटर। जल्दी से रैप को रिमूव करते हैं फोन के बॉक्स से। फोन के बॉक्स के पीछे ही काफ़ी कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि 5G प्रोसेसर है, 6nm टेक्नोलॉजी के साथ, 5000mAh की बैटरी है। तो यहाँ पर हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है, डेयर टू लीप। अब देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कितना सारा खजाना है। यहाँ पर नॉर्मल सा डॉक्यूमेंटेशन है, सेफ्टी गाइड है, और ये रहा सिम इंजेक्टर टूल जिससे हम सिम ट्रे निकालेंगे। सिलिकॉन का केस कवर है, हाँ थोड़ा सा ब्लैक है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट वाइट वाला नहीं है। एंड उसके बाद है ये रियलमी का फ़ोन। फ़ोन को साइड में रखते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ और भी है, जैसे कि यहाँ पर USB 2 टाइप सी केबल है। उसके साथ साथ इन द बॉक्स आता है यहाँ पर 33 वॉट का सुपर वूक चार्जर और यहाँ शानदार 5000mAh की बैटरी इस फ़ोन में। तो भाई साहब, एक बार चार्ज करने में काफ़ी देर तक ये फ़ोन चलेगा। फ़ोन को रैप से रिमूव करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो नेक्स्ट लेवल है और इसका लुक भी नेक्स्ट किलर है भाई। इसके स्टिकर को भी निकालते हैं। अब देखो फ़ोन की साइन और इसका कैमरा मॉड्यूल भी बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। डुअल कैमरा सेटअप है बैक साइड में। अब जो इसके साथ फ्री में कवर दिया है तो उसको भी लगाना ज़रूरी है ना। कवर लगाने के बाद कुछ इस प्रकार सा लगता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है फ़ोन, लेकिन ठीक ठाक है। एल्यूमिनियम फ्रेम है इसका एंड बैक साइड में है प्लास्टिक लगा हुआ। यहाँ पर बैक साइड में दे दी गई है रियलमी की ब्रांडिंग और देख सकते हो ये जो कैमरा मॉड्यूल वो बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। उसके चारों तरफ ये जो रिंग बना हुआ है तो वो तो शानदार ही है। एक हाथ में फ़ोन आ जाता है और करीब करीब 190 ग्राम का ये फ़ोन है। फ़ोन को जल्दी से पावर ऑन कर लेते हैं। अब बारी आती है फ़ोन के पोर्ट्स एंड बटन्स के। सो फोन के ऊपर के साइड में एक सेकेंडरी माइक्रोफोन है। फ़ोन के राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स प्लस एक पावर बटन विथ फिंगरप्रिंट सेंसर। फ़ोन के नीचे के साइड में है स्पीकर ग्रिल और एक चार्जिंग पोर्ट है, माइक्रोफोन है एंड हेडफोन जैक भी है, तो ये अच्छी बात है। फ़ोन के राइट साइड में है सिम ट्रे ग्रिल, देखते हैं इसमें दो माइक्रो सिम एंड मेमोरी कार्ड आ सकता है, ठीक है। अब फ़ोन के अंदर वाले फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। इस फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा आपको Realme UI 4.0 एंड Android वर्जन 13 के ऊपर ये बेस्ड है। इसमें जो प्रोसेसर है वो MediaTek Dimensity 6100 का प्रोसेसर है और यहाँ पर 5000mAh की बैटरी है और इसमें 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये मेरे पास फ़ोन है। और इसका जो रैम है उसको आप वर्चुअल रैम भी कर सकते हो, मतलब एक्सपेंड कर सकते हो 6GB और, मतलब 6x12। एंड इसमें देखने के लिए मिल जाएगा आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि भाई शानदार चलाता है, स्मूथ चलाता है फ़ोन को। जैसे कि आप देख पा रहे हो 120Hz के रिफ्रेश रेट में मेरी उंगलियाँ थिरक रही है एंड फ़ोन भी। एंड अब बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। इस फ़ोन में मिल जाती है बिग डिस्प्ले 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड YouTube में जो वीडियो रेजोल्यूशन क्वालिटी है 2K में 60fps तक आप वीडियो देख सकते हो। एंड इस फोन की जो पीक ब्राइटनेस है 680 nits पीक ब्राइटनेस है। IPS LCD डिस्प्ले होने के कारण जो कलर हैं काफ़ी उभर के आ रहे हैं एंड जो कलर सेचुरेशन है काफ़ी अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि ग्रीन है तो ग्रीन ही लग रहा है। बहुत ही शानदार क्वालिटी नज़र आ रही है इसकी डिस्प्ले में। LCD की जगह यदि AMOLED डिस्प्ले होती तो जो कलर सेचुरेशन है और भी ज़्यादा अच्छे नज़र आते, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। इतने प्राइस रेंज में ऐसी डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छी होती है। मल्टीमीडिया में स्पीकर साउंड का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। इस फ़ोन में सिंगल स्पीकर है लेकिन इसका जो लाउडनेस है काफ़ी ज़्यादा है, मैंने उसको खुद एक्सपीरियंस किया है। तो हम वॉल्यूम को कर लेते हैं 100 एंड प्ले करते हैं सॉन्ग। सिंगल स्पीकर होने के बावजूद भी काफी लाउड है। एंड गाइस, अब बात करते हैं इसके कैमरा की। कैमरा टेस्ट भी तो हो जाए ना इसमें। सो यहां पर डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा।
64 मेगापिक्सल का एक मैन कैमरा है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है फ्लैश एलईडी लाइट के साथ। एंड यहाँ पर फ्रंट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा 8MP कैमरा जो कि काफ़ी शानदार सेल्फी लेता है। एंड जैसे हम कैमरा ऑन करते हैं तो काफ़ी सारे मोड देखने के लिए मिल जाता है, नाइट मोड और स्ट्रीट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है एंड 64 मेगापिक्सल का भी एक मोड है। एंड मोड में काफ़ी सारे मोड देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें से अलग अलग एंगल से अलग अलग फ़ोटोज़ आप क्लिक कर सकते हैं। एंड वीडियो रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ सो 1080p 720p में 30fps बैक साइड से भी एंड फ्रंट साइड से भी 720p 1080p में 30fps तक की सपोर्ट है। चलो अब इसका कैमरा टेस्ट किया जाए, 64 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल। एटलीस्ट मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, जैसे कि यहाँ पर बैक साइड से ये मैंने फ़ोटो लिया है, यहाँ पर अकेला ही था तो यहाँ पर अकेले ही फ़ोटो ले ली। हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर जो कैमरे की क्वालिटी है उतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही है, थोड़ा सा डार्कनेस है, लेकिन यहाँ पर यदि कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में मैं फ़ोटो ले रहा था तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी और दिख भी बहुत ही अच्छी रहा था। एंड ये है पोर्ट्रेट की फ़ोटो, सो पीछे का जो ब्लर है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ऑब्जेक्ट को अच्छा खासा फोकस किया है लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी ब्लर कर देता है। ये 64 मेगापिक्सल के कैमरे से फ़ोटो लिया मैंने, काफ़ी शानदार यहाँ पर फ़ोटो निकल के आई है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो की जो साइज़ है 14MB की है, मतलब अच्छी खासी है। 64 मेगापिक्सल के कैमरे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आई। फिर हमने लिए 8 मेगापिक्सल से सेल्फी कैमरा, जो कि सेल्फी कैमरा भी मुझे ठीक ही ठाक नज़र आई। एंड जो स्ट्रीट मोड था उससे मैंने ये फ़ोटो लिया है तो जो 64 मेगापिक्सल की क्वालिटी थी उससे भी थोड़ी बहुत मुझे अच्छी लगी, मतलब थोड़ा बहुत ब्लरनेस है हाँ, लेकिन जो फ़ोटो अच्छी खासी मुझे नज़र आई। जो मैंने 8 मेगापिक्सल के कैमरे से सेल्फी लिया था थोड़ा सा जो स्किन टोन है ना थोड़ा ब्राइट था एंड सेचुरेशन भी काफ़ी ज़्यादा था, कॉन्ट्रास्ट जिसमें थोड़ा ब्लैक सा आता है वो भी अच्छा खासा था हाँ, लेकिन एंड्रॉयड में जैसी फ़ोटोज़ आती है हल्का फुल्का वैसी फ़ोटो आई है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं भाई हाँ बहुत अच्छी है ऐसा नहीं है, एवरेज फ़ोटोज़ मैं बोल सकता हूँ कि हाँ एवरेज फ़ोटो आई है, ठीक ठाक फ़ोटो आई है। अब बारी आती है गेमिंग टेस्ट की, तो हम करेंगे इसमें फ्री फायर, पबजी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में ग्राफिक्स एंड गेमिंग टेस्ट, कितनी हाईएस्ट ग्राफिक्स में हम गेम खेल सकते हैं एंड यहाँ पर हम कितनी अच्छे तरीके से गेम खेल सकते हैं देखते हैं ठीक है। सो फ्री फायर की ग्राफिक्स सेटिंग में दिखा देता हूँ, सो सब कुछ हाई में है, जितनी हाई सेटिंग में कर सकता हूँ उतना हाई सेटिंग यहाँ पर मैंने करा हूँ। सबसे पहले हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पर शुरुआत कर लिया गेम प्ले, वन टैप तो अच्छे खासे पड़ रहे थे एंड जो टच रिस्पॉन्स है ना थोड़ा सा लेट आ रहा था, जैसे मैं दूसरे फ़ोन में खेलता हूँ उससे थोड़ा सा लेट आ रहा था, जिसके कारण वन टैप की जो एक्यूरेसी है और जो वन टैप जो लगते हैं ना अच्छे खासे लग रहे थे, क्योंकि जब हम वन टैप मारते हैं तो थोड़ा सा टाइम डिले चाहिए तो उसका और इसका जो टाइम डिले टच का तो अच्छा खासा उसमें रिस्पॉन्स कर रहा था। एंड यहाँ पर मैंने MP40 से ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश किया एक दो बॉडी, उसके बाद पूरा रेड का रेड यहाँ पर हेडशॉट लग रहे थे, मज़े आ रहे थे। एंड फ्रेम ड्रॉप तो अभी दिख नहीं रहे हैं क्योंकि भी काफ़ी देर से तो नहीं खेल रहा हूँ, हाँ थोड़ा देर से खेल रहा हूँ तो फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिल रहा है, फ़ोन थोड़ा बहुत हीट हो रहा है एंड जब फ़ोन हीट होता है तो फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलता है एंड थोड़ा बहुत फ़ोन लैग भी करता है, बट अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है इसमें। जब मैं इसमें 10 से 20 मिनट के बाद तक गेमिंग किया था तो स्क्रीन के सामने एक नोटिफिकेशन आया था कि इसकी जो ग्राफिक क्वालिटी है उसको थोड़ा आप कम कर सकते हो, कम कर लो, क्योंकि इसमें जो मैं हाई ग्राफिक्स में जब मैं गेमिंग कर रहा था तो जो फ़ोन होता है ना उसकी भी एक औकात रहती कि कितनी ग्राफिक्स में गेम कर सकते हो, तो ये इसका जो प्रोसेसर है Dimensity 6100 प्लस उतना हाई ग्राफिक्स को झेल नहीं पाता, इसलिए मुझे ऐसा नोटिफिकेशन आया था। फिर मैंने स्टैंडर्ड में करके हाई FPS करके जब मैंने गेमिंग किया तो भाई क्या ही मक्खन गेमिंग कर रहा था, स्मूथ चल रहा था गेम प्ले। एंड अब बारी है पबजी की, सो मैं यहाँ पर सेटिंग में चल जाता हूँ, ग्राफिक्स क्वालिटी में चल जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो HD में जो ग्राफिक्स है एंड जो फ्रेम रेट है उसको हाई में सेट करके मूवी में सेट करके यहाँ पर गेमिंग कर सकते हो, जो स्मूथ है उसको अल्ट्रा में यहाँ पर सेट करके गेमिंग कर सकते हो एंड बाकी के जो अदर ऑप्शन है 3 वो सपोर्ट इसमें नहीं करते हैं। जब मैंने स्मूथ अल्ट्रा में यहाँ पर गेमिंग को स्टार्ट किया तो भाई साहब स्मूथ चल रहा था, जैसे उसमें ग्राफिक्स की क्वालिटी है वैसे ही चल रहा था, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप तो होता ही है लेकिन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि फ़ोन हीट नहीं हुआ उतना ज़्यादा। एंड हाँ सच में ये फ़ोन ना थोड़ा बहुत हीट, जैसे मैं फ़ोन लेके आता हूँ और मेरा रूम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट रहता ही है, लेकिन ये फ़ोन उतना ज़्यादा हीट नहीं हुआ
जैसे कि दूसरे फ़ोन होते हैं। काफ़ी देर तक मैंने इसी ग्राफिक्स में, इसी सेटिंग में गेमिंग किया, अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा था। थोड़ा सा सेंसिटिविटी का मुझे अभाव लगा है एंड जो टच रिस्पांस है वो, लेकिन 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होने के कारण काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले नज़र आती है। एंड मैंने HD में एंड हाई में ग्राफिक्स सेट करके सेटिंग यहाँ पर किया और उसमें जो मुझे फ्रेम रेट है थोड़ा सा कम देखने के लिए मिला। हाँ, जो स्मूथनेस है वो भी थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ ठीक ठाक यहाँ पर हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भारी भरकम आप इसमें गेमिंग खेलो और अच्छी हाई क्वालिटी में, नहीं है वैसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक ठाक यहाँ पर गेमिंग आप खेल सकते हो। तो मुझे तो थोड़ा बहुत ठीक ही लगा है। और गेमिंग के पर्पज़ से यदि कोई बंदा इस फ़ोन को लेता है और वो सोचता है कि हाँ मैं बहुत ही खतरनाक इसमें गेमिंग करूँगा, तो यार वैसा कुछ नहीं है, उतनी खतरनाक आप इसमें गेमिंग नहीं कर पाओगे, हल्की फुल्की गेमिंग बस कर सकते हो। अब बात करते हैं भारी भरकम गेम कॉल ऑफ ड्यूटी की। तो ग्राफिक्स क्वालिटी मीडियम में एंड जो फ्रेम रेट है हाई में सेट करके गेमिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे जो एक्सपीरियंस है स्मूथनेस का, भाई मज़े आ गए। हाँ थोड़ी सी ग्राफिक क्वालिटी कम है, लेकिन भाई साहब स्मूथ है, लैग नहीं कर रहा था फ़ोन। एंड ये फ़ोन मैंने खुद से परचेस किया है, सो इसका मैं फेक इम्प्रेशंस नहीं दूंगा आपको, जो दूंगा रियल है। तो गाइस अच्छा खासा फ़ोन है हल्की फुल्की गेमिंग करने के लिए, ठीक ठाक यहाँ पर ये फ़ोन है। कैमरा भी अच्छा खासा यहाँ पर है, सेल्फी भी अच्छी खासी यहाँ पर मुझे नज़र आई है। एंड फ़ोन हीट नहीं कर रहा था, ये बात मुझे थोड़ी अच्छी लगी, हीटिंग इशू इसमें नहीं है। नहीं तो काफ़ी फ़ोन में ऐसा रहता है बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, नहीं आए महंगे फ़ोन भी, लेकिन ये उतना ज़्यादा हीट नहीं कर रहा था। इस फ़ोन तो मुझे पसंद आया, आपको पसंद आया ये नहीं कमेंट करना, आपके ओपिनियंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो भी फ़ोन से रिलेटेड या इस फ़ोन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, ओपिनियंस होंगे, आप मुझे शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन पर सेट कर डालना, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, अनबॉक्सिंग की वीडियो, गेमिंग रिव्यू की वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन पर सेट कर डालना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और 100K लाइक्स प्लीज़ कंप्लीट करवा देना प्लीज़।